नमस्कार, मैं अभी शर्मा, वैज्ञानिक डी मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल से। देश में पिछले 24 घंटों में तापमान सबसे अधिक निवारी में 46.3 हीट वेव के साथ, ग्वालियर में 45.0 हीट वेव के साथ, छतरपुर और नौगांव में 44.6 और शिवपुरी में 44.2 डिग्री दशमलव टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। दो जिलों में हीट वेव को रिकॉर्ड किया गया है। वार्म नाइट की बात करेंगे तो उमालिया में +7.0 के साथ सीनियर वार्म नाइट को रिकॉर्ड किया गया है। वर्षा के बारे में बात करते हैं। वेस्ट मध्य प्रदेश में खांडवा में सबसे अधिक रेन बारिश 92.0 mm विद ओलावृष्टि अर्थात हेल स्टॉर्म के साथ दर्ज हुआ है, और विदिशा में 39.3 mm रेनफॉल विद हेल स्टॉर्म के साथ दर्ज किया गया है। इसी तरह से ईस्ट मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बारिश मांडला में 27.2 mm रेनफॉल दर्ज किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है अभी अपनी स्थिति पे बना हुआ है और 24 घंटों में इसमें विराट कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन आगे आने वाले 3-4 दिनों में इसके मध्य अरब सागर के शेष भागों, कर्नाटका के शेष भागों, दक्षिणी महाराष्ट्र के कुछ भागों, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ और भागों में तथा दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण उड़ीसा के कुछ भागों में आगे बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आज की सिनॉप्टिक सिचुएशन के बारे में बात करेंगे तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 3.1 किलोमीटर के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान और उसके नेबरहुड के ऊपर जो है वो स्थित है। इसी तरह सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 1.5 किलोमीटर के ऊपर स्थित है। नॉर्थ गुजरात के ऊपर एक 1.5 किलोमीटर पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो बना हुआ है, और इसी तरह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के वेस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर 1.5 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल बना हुआ है। बात करेंगे तो अनेक जिलों के अंदर जो है वो पृथक पृथक स्थानों पर जो है वो वर्षा की संभावना हमें जताई जाती है कल के लिए। और जो हीट वेव की बात करेंगे तो भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमपुर में कल भी टेम्परेचर जो है वो 45 के आसपास बने रहने की उम्मीद है। इसके अलावा जो नीचे के जो दक्षिण के जो हमारे जिले हैं, खागोन, खांडवा, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट के अंदर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्ती विंड विद हेल स्टॉर्म 50-60 किलोमीटर होने की जो है वो उम्मीद कल भी जताई संभावना बनी हुई है। इसके अलावा जो राज्य हैं, जो ऊपर के राज्य आप देख रहे हैं उसके अंदर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्ती विंड 40-50 किलोमीटर की हवाओं के साथ होने की आशंका कल संभावना है। डे 3 की बात करेंगे अर्थात 7 तारीख की बात करेंगे तो डार्क ग्रीन कलर के अंदर जो आप देख रहे हैं हमारे जिले धार, बड़वानी, इंदौर, खारगोन, खांडवा, हरदा, सीहोर, विदिशा और बैतूल के अंदर जो है वो कुछ स्थानों पे जो है वो वर्षा होने की आशंका है। बाकी जो लाइट ग्रीन कलर के जो जिले हैं उसके अंदर पृथक स्थानों के अंदर जो है वो होने की वर्षा की संभावना परसों बनी हुई है। इसके अलावा जो हीट वेव जो है वो थोड़ा सा उसके ऊपर बढ़ोतरी की जाएगी और वो सतना, रीवा, मेहर, सांची, सीधी और सिंगरौली के अंदर भी जो है वो दर्ज होने 45 डिग्री टेम्परेचर होने की उम्मीद जो है वो 7 तारीख को जताई जा रही है। इसके अलावा जो नॉर्थ साउथ वेस्ट के जो हमारे जो जिले हैं जैसे कि धार, इंदौर, बड़वानी, खारगोन, खांडवा, हरदा और बैतूल के अंदर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्ती विंड विद हेल स्टॉर्म 50-60 किलोमीटर होने की आशंका 7 तारीख को बनी हुई है। बाकी जिलों के अंदर जो है वो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्ती विंड विद 40-50 किलोमीटर होने की आशंका है। 8 तारीख के बारे में बात करते हैं तो आप ग्रीन कलर के अंदर खारगोन, इंदौर और धार जैसे जिलों के अंदर जो है वो कई कुछ स्थानों पे जो है वो रेनफॉल होने की उम्मीद है। बाकी जो लाइट ग्रीन कलर के अंदर जो जिले हैं उसके अंदर पृथक स्थानों के जो है वो रेनफॉल होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा जो हमारे साउथ वेस्ट के जो जिले हैं जैसे कि धार, इंदौर, खारगोन, खांडवा, हरदा के अंदर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्ती विंड 40-50 किलोमीटर होने की संभावना है, और बाकी के जो ऊपर के जो नॉर्थ के जो जिले हैं उसके अंदर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्ती विंड 30-40 किलोमीटर होने की आशंका 8 तारीख को बनी हुई है। 9 तारीख की बात करेंगे तो जो लाइट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो छबुआ, धार, इंदौर, बड़वानी, खागोन और खंडवा के अंदर लाइट ब्लू कलर का हमने जो है वो इसको दिए है, अर्थात अनेक स्थानों पे जो है यहाँ पे वर्षा होने की संभावना है। साथ ही जो खारगोन, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन और बुरहानपुर जैसे जिलों के अंदर जो है वो कुछ स्थानों पर वर्षा होने की उम्मीद है, और साथ ही जो बाकी के जिले जो लाइट ग्रीन कलर के अंदर हैं उसके अंदर पृथक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा जो ऑरेंज कलर के अंदर जो वार्निंग में आप देख रहे हैं छबुआ, धार, इंदौर, रायसेन, खांडवा के अंदर
थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्ती विंड विद 50 टू 60 किलोमीटर होने की आशंका है। और साथ ही जो ऊपर के जो शिवपुरी, शिवपुर, अशोकगढ़ वगैरह के जो हैं उसके अंदर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्ती विंड भी 30 टू 40 किलोमीटर होने की आशंका है। ईस्ट एमपी के जो हमारे जिले हैं बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मांडला, बालाघाट, यहाँ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्ती विंड 40 टू 50 किलोमीटर होने की उम्मीद 9 तारीख को जताई जा रही है।